नमस्कार। एज अ ग्लोबल सिविलाइजेशन हम एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच गए हैं जहां इस फील्ड के हर एक रिस्पॉन्सिबल साइंटिस्ट इस बात को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि अगले 20 से 25 सालों में सीरियस फूड क्राइसिस आने वाला है। दुर्भाग्यवश हमारी याददाश्त बहुत कमज़ोर है। 1950 से पहले हमारे देश में कई बार अकाल या फेमीन की स्थिति उत्पन्न हुई थी जिसकी वजह से लाखों लोगों की जान चली गई थी। 1943 के अकाल या फेमीन में 30 लाख लोग मारे गए थे, यानी कि 30 लाख लोग भूख से मर गए थे। फेमीन या अकाल पड़ना एक स्लो प्रोसेस होता है, ये बम की तरह अचानक से जान नहीं लेता है। डाइंग ऑफ हंगर इज़ अ टेरेबल प्रोसेस। हमें भूल जाने की आदत है और एक बार फिर हम खुद को उस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में वर्तमान में जो फूड प्रोडक्शन हो रहा है इसकी तुलना में 2045 आते आते हम 40% कम फूड प्रोड्यूस कर रहे होंगे। मतलब 2045 में अभी के मुकाबले पूरी दुनिया में 40% भोजन का उत्पादन कम हो चुका होगा, लेकिन पॉपुलेशन तब तक 9 बिलियन क्रॉस कर चुका होगा। क्या आप ऐसी दुनिया में रहना चाहेंगे? क्या आप चाहेंगे कि आपके बच्चे ऐसी दुनिया में रहें? देखिए, ये यथार्थ है कि जो भोजन हम करते जा रहे हैं या जिस मिट्टी का प्रयोग हम करते चले जा रहे हैं वो एक्चुअली हमारा है ही नहीं। वी आर यूजिंग अप द सॉयल ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड। हम फ्यूचर जनरेशन की मिट्टी को भी ख़त्म करते चले जा रहे हैं और ये अपने आप में एक अपराध है, एक क्राइम है। और इसलिए इस सिनारियो को रिवर्स करने के लिए, मिट्टी को बचाने के लिए ग्लोबल लेवल पे सेव सॉयल मूवमेंट या मिट्टी बचाओ आंदोलन चल रहा है जिसको सदगुरु ने स्टार्ट किया है। पिछले एक साल में सदगुरु ने पर्सनली पूरी दुनिया के हेड ऑफ स्टेट, एनवायरमेंटल मिनिस्टर्स और एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स से इस बारे में बात भी की है। हर जगह सबको ये पता है कि मिट्टी को बचाना, मिट्टी के ऑर्गेनिक कंटेंट को रिट्रीव करना कितना ज़रूरी है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोगों ने इसके बारे में बात नहीं की है। और सच्चाई यही है कि लोगों ने अपने खुद की ज़िंदगी में लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट नहीं दिखाया है। डेमोक्रेसी के अंदर लोगों ने सरकार से चिंदी चीज़ें ही मांगी हैं और सरकार ने भी उनको चिंदी चीज़ें ही दी हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि हर एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न उसकी लाइफ के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को एक्सप्रेस करे। हमें ज़रूर इस बात को एक्सप्रेस करना चाहिए कि हम ना केवल अपने लिए कंसर्न्ड हैं बल्कि हमारे फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी कंसर्न्ड हैं। अब बात करते हैं एक्शन प्लान के बारे में। सेव सॉइल मूवमेंट के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जिसमें शामिल है सदगुरु द्वारा यूनाइटेड नेशंस बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करना जिसकी 170 कंट्रीज पार्टिसिपेंट्स हैं। एलैबोरेट सॉइल पॉलिसीज बनाई गई हैं जो कि हर देश को भेजी जा रही हैं। दुनिया भर में 730 पॉलिटिकल पार्टीज को चिट्ठी लिखी गई है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हर पॉलिटिकल पार्टी, चाहे उनके कोई भी फिलॉसफी हो, चाहे उनका कोई भी आइडियोलॉजी हो, अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में मिट्टी और इकोलॉजिकल कंसर्न्स को वो शामिल करें। और ये तभी हो सकता है जब हर डेमोक्रेटिक नेशन के नागरिक इस बारे में बात करेंगे। दुर्भाग्यवश ये जो डेमोक्रेसी है ये एक साइलेंट डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है जनता का राज। अगर जनता ही गवर्नमेंट को क्लियर मैंडेट नहीं देगी तो कोई भी गवर्नमेंट कैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेगी? अगर जनता अपने लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को एक्सप्रेस करेगी तो सरकारें भी वही करेगी। 21 मार्च 2022 को सदगुरु ने 30,000 किलोमीटर की मोटरसाइकिल यात्रा लंदन से शुरू की है। ये यात्रा 100 दिन की है जो कि जून 28 को ख़त्म होगी। यूरोप की ठंड में स्नोफॉल, रेनफॉल के बावजूद 30,000 किलोमीटर की मोटरसाइकिल यात्रा 65 साल की उम्र में 26 कंट्रीज़ को कवर करना और इस दौरान सैकड़ों मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेस, ये कोई साधारण बात नहीं है। इसलिए मिट्टी बचाओ आंदोलन को हम सबको सपोर्ट करना ही चाहिए। इन 100 दिन में हमको बस हर दिन 5 से 10 मिनट लगा के मिट्टी के बारे में बात करनी है। आप अपने सोशल मीडिया हैंडल्स को यूज़ कर सकते हैं।
ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक, टेलीग्राम, जो भी आप यूज़ करते हो। अगर आपको नहीं पता कि इनको कैसे यूज़ करना है, तो कई सारे टूल किट्स रिलीज़ की गई हैं जिसमें ये बताया गया है कि आप कैसे इन अकाउंट्स को ओपन कर सकते हैं और कैसे इन्हें मैनेज कर सकते हैं। इस अभियान से जुड़ने के लिए जो भी जानकारी आपको चाहिए वो सब www.savesoil.org पर उपलब्ध है। जून 28 तक दुनिया में हर इंसान को मिट्टी के बारे में बात करनी चाहिए। दुनिया भर में अगर 3 से 4 बिलियन लोग मिट्टी के बारे में, मिट्टी के प्रति अपने कंसर्न के बारे में, अजन्मे बच्चों के प्रति अपने कंसर्न के बारे में सोशल मीडिया पे बात कर देते हैं, तो कोई भी गवर्नमेंट इस मूवमेंट को इग्नोर नहीं कर पाएगी। ये कोई प्रोटेस्ट नहीं है, ये कोई प्रेशर टैक्टिक भी नहीं है, ये नागरिकों की इच्छा की अभिव्यक्ति है। दिस इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ द विल ऑफ द सिटीजन्स एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट अ रिस्पॉन्सिबल एक्सप्रेशन हैपन्स इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। हम सब मिट्टी से उत्पन्न हुए हैं, मिट्टी से उत्पन्न भोजन खाकर हम बड़े हुए हैं, और जब समय आएगा हम सब इसी मिट्टी में मिल जाएंगे। मिट्टी दुनिया का एकमात्र ऐसा जादू है जहां आप डेथ को दफन करते हैं तो वहां लाइफ स्प्राउट हो जाती है। दुनिया भर में मिट्टी को रिजनरेट करना बहुत ज़रूरी हो गया है। आपको तो पता ही है, इस देश में सैकड़ों हजारों किसान आत्महत्या कर लेते हैं। इस बात को हमेशा ऐसे एक्सप्लेन किया जाता है कि बैंक का लोन बहुत बढ़ गया था इसलिए उस किसान ने आत्महत्या कर ली। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आप किसान होते, आपके ऊपर बैंक का लोन होता पर मिट्टी उपजाऊ होती, मतलब कम से कम आप अपनी फैमिली के लिए भोजन उपजा रहे होते, तो क्या आप आत्महत्या कर लेते? आप नहीं करते। क्यों? क्योंकि एक तो बैंक का लोन ऊपर से डिप्लीटेड सॉइल की वजह से बिना फर्टिलाइजर के काम नहीं चलेगा, तो और सर पर लोन, तब करता है कोई किसान आत्महत्या। किसान इसलिए आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि खेतों में काम करना होपलेस हो गया है, मिट्टी का ऑर्गेनिक कंटेंट डिप्लीट हो गया है और मिट्टी बहुत कमज़ोर हो चुकी है। आज आप जो कुछ भी खाते हैं उसमें 50 साल पहले के मुकाबले बहुत ही कम नरिशमेंट है। ये बातें मिट्टी से रिलेटेड कोई छोटी प्रॉब्लम के बारे में नहीं है, हम बात कर रहे हैं सॉयल एक्सटिंक्शन की। ये दुनिया ऑलरेडी सॉयल एक्सटिंक्शन की दिशा में अग्रसर है। यूनाइटेड नेशन एजेंसीज ये कह रही हैं कि हमारे पास केवल 60 से 80 क्रॉप हार्वेस्ट के लायक मिट्टी बची है। आप अपने बच्चों को क्या देने वाले हैं? अपने बच्चों के लिए कैसी दुनिया आप छोड़ के जाने वाले हैं? इसलिए कृपया जून 28 तक अपने आप को जिंदा रखिए। आपका 5 से 10 मिनट का समय दुनिया को बचा सकता है। तो उम्मीद है आज की बात आपको समझ में आई। अगर आप भी इस मूवमेंट का हिस्सा बनना चाहते हैं तो ये वाला वीडियो देखिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, इसमें सारे डिटेल्स हैं। या फिर लॉग ऑन करिए www.savesoil.org। कोई सवाल हो तो कमेंट्स में लिखकर पूछ लीजिएगा। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, एंजॉय लाइफ। नमस्कार।